गुड मॉर्निंग सभी को। मैं शुभकर्ण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में मांग की लोच के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि मांग की लोच से आप क्या समझते हैं और मांग की लोच को मापने की विधियां कौन कौन सी हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियां, और आज हम चर्चा करेंगे कि मांग की लोच को मापने की विधियां। जैसा कि मैंने आपको बताया, मांग की लोच क्या होती है? मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन और वस्तु के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच, मांग की मूल्य लोच भी कहते हैं। इसमें क्वांटिटी में परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको हम व्यक्त करते हैं। यह आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मांग की लोच से क्या तात्पर्य है एवं क्या अभिप्राय है मांग की लोच को मापने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। यह आपके यूनिट संख्या सेकंड में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछते हैं। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, मांग की लोच मांग मूल्य मतलब वस्तु के मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन और वस्तु के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच कि जिसे इसमें सेम डेफिनेशंस के बारे में हमने पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की, अब हम चर्चा करेंगे मांग की लोच की मापने की विधियां। तो मांग की लोच की मापने की विधियां निम्नलिखित हैं। पहली है प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड, प्रतिशत विधि मुख्यतया एक बहुत महत्वपूर्ण विधियों में सम्मिलित है। इस विधि का प्रतिपादन फ्लेक्स द्वारा किया गया था। इस विधि के अनुसार मांग की लोच ज्ञात करते समय मूल्य परिवर्तन के कारण मांग में जितने प्रतिशत परिवर्तन होते हैं उसमें मूल्य में हुए प्रतिशत परिवर्तन का भाग दे दिया जाता है, वह मांग की प्रतिशत परिवर्तन आ जाती है। ये अपन प्रतिशत परिवर्तन को हम देखें तो वो इस प्रकार से हैं। मांग में प्रतिशत परिवर्तन EP बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन इसे हम प्रदर्शित करते हैं EP बराबर डेल्टा Q डिवाइड डेल्टा EP बराबर डेल्टा क्यू का डेल्टा प्राइस इनटू P डेल्टा प्राइस। तो ये प्रतिशत परिवर्तन के रूप में ये गणितीय सूत्र ये है कि मांग में जब प्रतिशत परिवर्तन होता है, जो मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन का भाग दे दिया जाता है वो प्रतिशत विधि है। ये विधि फ्लक्स ने दी थी। दूसरी मेथड की बात करें, कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने किया। मार्शल ने कुल व्यय विधि का प्रतिपादन किया, जिसमें इस विधि के अनुसार मांग की लोच ज्ञात करने के लिए मूल्य में पूर्व में उस वस्तु में किए जाने वाले कुल व्यय तथा मूल्य में परिवर्तन के बाद किए जाने कुल व्यय की तुलना की जाती है। इस विधि के अनुसार मांग की लोच ज्ञात करने के लिए मांग की लोच इकाई के बराबर या इकाई से कम या इकाई से अधिक होती है।
उदाहरण के रूप से हम देखें तो विभिन्न मूल्यों में मांग की लोच में कुल व्यय इस प्रकार है। जैसा कि मैंने बात बताया आपको, कुल व्यय विधि में अपने सामने तीन स्थिति चित्रण होती है। एक तो इकाई के बराबर लोच, ईपी बराबर वन, या फिर इकाई से कम, ईपी लेस देन वन, या फिर इकाई से अधिक। ये तीन स्थिति हमारे सामने उत्पन्न होती हैं। इसको हम एक विधि के मेथड से माध्यम से हम देखें। माने किसी वस्तु का मूल्य इस प्रकार से है, ये मूल्य आ गया प्राइस, और ये मांगी गई मात्रा, और यहाँ पर कुल व्यय, और यहाँ पर मांग की लोच। ये हम ज्ञात करेंगे किस प्रकार से कर पाते हैं। मूल्य मानते हैं 8, 10, 8, 6, मांगी की मात्रा 60, 75, 100, कुल व्यय किया गया है यहाँ पर 600 रुपये। तो ये जो स्थिति अपने सामने आई कि मूल्य में कम परिवर्तन होने से क्वांटिटी में भी अधिक परिवर्तन होता है, तो वो हमारे सामने ईपी बराबर इक्वल इकाई के लोच के बराबर होगी। और दूसरी कंडीशन देखें, ये अपनी फर्स्ट स्टेज हो गई, तो ईपी बराबर वन की स्थिति सामने होती है। तो ईपी बराबर वन के अंतर्गत हमारा जब डायग्राम जब बनेगा, तो इस प्रकार से डायग्राम का चित्रण किया जाएगा। इसी दूसरी स्टेज की बात करें तो ये अपना मूल्य है 10, 8, 6 क्वांटिटी में 60, 100, 150, यहाँ पर कुल वे 600, 800 और 900 किया गया है। तो ये इकाई से अधिक मानी जाएगी, ईपी बराबर वन के बराबर मान लिया जाएगा। तीसरी स्टेज अपने सामने देखें तो तीसरी स्टेज में मैंने यहाँ पर क्वांटिटी देखी और यहाँ पर कुल वे और लॉट्स। क्वांटिटी में यहाँ पर 10, 8, 6 ये अपना प्राइस है, 10, 8, 6 क्वांटिटी की हम बात करें तो 10 रुपये में 60 क्वांटिटी, और 8 रुपये में 70 क्वांटिटी, 6 रुपये में 80 क्वांटिटी। कुल वे किया गया है यहाँ पर 600, 560, गुणा करके देखो इनको, और यहाँ पर आ जाएगा 480। तो यहाँ पर इकाई से कम लोच कहलाएगी, इकाई से कम। तो इसे हम डायग्राम के द्वारा इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। ये हो गई ईपी बराबर वन, ईपी लेस देन और ग्रेटर देन। तो ये तीन स्थिति आती है कुल व्यय विधि के अंतर्गत। तीसरी विधि की हम बात करें, बिंदु विधि की, पॉइंट मेथड। बिंदु विधि में पांचों श्रेणियों में बिंदु विधि, पॉइंट मेथड, बिंदु विधि जब किसी वस्तु के मूल्य में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन की दर बहुत कम होने के कारण मांग रेखा किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करना अधिक उपयुक्त रहता है। क्योंकि मांग रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच भिन्न भिन्न होती है। किस प्रकार से? बिंदु विधि के अंतर्गत मांग की लोच भिन्न भिन्न इस प्रकार से होती है, वाई ओ एक्स, यहाँ पर आ गई प्राइस, या आ गई अपनी क्वांटिटी, ईपी बराबर अनंत, ईपी लेस देन वन, ईपी इक्वल वन, ईपी ग्रेटर देन वन, ईपी बराबर जीरो। तो
ये अपने बिंदु विधि के अंतर्गत इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर इसको प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें मांग वक्र किसी बिंदु से मांग वक्र का जो नीचे का भाग और मांग वक्र कर किसी बिंदु के ऊपर के भाग में भाग देने से इसको ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का नीचे का भाग डिवाइड बाई मांग वक्र पर किसी बिंदु से ऊपर का भाग देके बिंदु विधि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला है लास्ट मेथड, चाप विधि। आर्क मेथड, चाप विधि भी बहुत ही उपयोगी मेथड्स में आता है। चाप विधि में हम बात करें कि किसी वस्तु के मूल्य में सूक्ष्म परिवर्तन न होकर बड़े परिवर्तन होते हैं। जब मांग रेखा के किसी एक बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के स्थान पर मांग रेखा के एक भाग चाप की लोच ज्ञात करना अधिक उपयुक्त होता है। इसे हम इस प्रकार सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ईपी बराबर क्वांटिटी वन, क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी वन बराबर पी वन पी प्लस पी टू के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। P1 के द्वारा हम चाप मेथड्स के माध्यम से मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने मांग की लोच क्या है, मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियाँ, उनके बारे में हमने चर्चा की और मांग की लोच किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जब चाप विधि में बताया, जब किसी वस्तु के मूल्य में सूक्ष्म परिवर्तन न होकर बड़े परिवर्तन होते हैं तो उस वस्तु की मांग रेखा किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के स्थान पर मांग रेखा का एक भाग चाप लोच मेथड ज्ञात करना ही अधिक उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार से मांग की लोच जब हम ज्ञात करते हैं तो एक अहम भूमिका का निर्वहन भी किया जाता है। तो मांग की लोच ज्ञात करने की हमने चार मेथड्सों के बारे में हमने चर्चा की, प्रतिशत विधि, कुलवे विधि, बिंदु विधि और चाप विधि, जो कि यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी इम्पोर्टेंट है, इनसे संबंधित आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आता ही आता है। तो हमने मांग की श्रेणियों के बारे में पढ़ना पहले ज़रूरी है। विभिन्न श्रेणियों में मांग की लोच अत्यधिक लोचदार, बेलोचदार, पूर्णतया लोचदार, और इनके बारे में हमने चर्चा करनी ज़रूरी है, तभी आपके ये मांग की लोच ज्ञात करने के लिए बिल्कुल आसानी भी रहेगी कि किस प्रकार से मांग की लोच आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मांग की लोच ज्ञात करने के लिए हमें विभिन्न मेथड्स को प्रयोग में लेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया प्रतिशत विधि में फ्लक्स के द्वारा प्रतिपादन किया, कुल व्यय विधि में मार्शल ने तीन श्रेणियों को सम्मिलित किया, इकाई के बराबर, इकाई से कम और इकाई से अधिक। बिंदु विधि में विभिन्न पॉइंट्स के माध्यम से प्राइस और क्वांटिटी के अंतर्गत जो मांग की श्रेणियां हैं उनको किस प्रकार से विन्यासित किया गया है। इसमें मांग वक्र के नीचे के भाग से मांग वक्र के किसी बिंदु से ऊपर के भाग का भाग देने पर बिंदु रेखा या बिंदु पॉइंट के माध्यम से कर सकते हैं। अंतिम है चाप मेथड। चाप मेथड में मैंने आपको बताया क्वांटिटी में
माइनस में कितना परिवर्तन हुआ, क्वांटिटी प्लस में कितना परिवर्तन हुआ, प्राइस में कितना परिवर्तन हुआ, प्राइस प्लस में कितना परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार ये चार मेथड हैं, चारों मेथड्स आपके एग्ज़ाम में यूनिट संख्या सेकंड में इसका प्रश्न आता ही आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मांग की लोच को मापने की विधियाँ या मांग की लोच को निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।